हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के बारे में। तो हम उनके बेसिक यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे, साथ में उनकी फार्माकोलॉजिकल स्टडी करेंगे और सीखेंगे उनकी मेकेनिज्म क्या होती है, उसके डोज क्या होते हैं, व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में और जानते हैं अबाउट दिस ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। द एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्माडॉक्स। थैंक यू फॉर बी इन वन लैक फैमिली ऑफ फार्माडॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्माडॉक्स। तो सबसे पहले समझिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के बारे में। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स आर यूज ओनली इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, विच इज अ डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग रेजिस्टेंस टू सीक्रेटेड इंसुलिन। मतलब कि ये ऐसे क्लास के मेडिकेशन है कि जिनको स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। कि हमें पता है कि डायबिटीज दो टाइप के होते हैं, एक टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो है वो उसके अंदर स्पेशली इंसुलिन यूज करते हैं, बट टाइप 2 के अंदर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स को यूज करके जो है वो ट्रीटमेंट की जाती है। तो जो ब्लड शुगर लेवल जो है वो जब काफ़ी हाई होता है किसी पर्सन का, तो वो कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज। कि यहाँ पे देखिए, डायबिटीज की जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर फास्टिंग कंडीशन के अंदर भी ब्लड शुगर लेवल ग्रेटर देन 126 होता है, और 2 आवर्स आफ्टर द पोस्ट मील, मतलब कि खाना खाने के 2 घंटे बाद वो हो जाता है अराउंड 200 या फिर उससे भी ज़्यादा। तो ऐसे कंडीशन में ज़रूरी है कि उनका ब्लड शुगर लेवल को हम करें कंट्रोल। तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, ये कंडीशन को मैनेज करने के लिए ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो है वो यूज़ किया जाता है। और उनके नाम के तौर पे ही ओरली, मतलब कि ये जो सभी मेडिकेशन है वो यूजुअली टैबलेट या फिर कैप्सूल डोजेस फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। जिसके कारण कि उनको कहा जाता है कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ओरली उनके टैबलेट या फिर कैप्सूल अवेलेबल है, कि जो पेशेंट इजीली ले सकते हैं बाय द ओरल रूट। तो ये थे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग और उनका मेन इंडिकेशन है टाइप 2 के अंदर, बिकॉज टाइप 1 डायबिटीज इन्वॉल्व ए लैक ऑफ इंसुलिन एंड रिक्वायर द इंसुलिन फॉर ट्रीटमेंट। कि टाइप 1 तो उसमें इंसुलिन के सिवाय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट टाइप 2 डायबिटीज कि जिनके अंदर मेनली तो क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप होता है, कि जिसके कारण इंसुलिन समझो कि सीक्रेट नहीं हुआ है, तो ये क्लास के मेडिकेशंस को हम यूज करके ये रेजिस्टेंस को ओवरकम करके सीक्रेट करवाते हैं इंसुलिन की, जिससे वो इंसुलिन यूटिलाइज कर देगा एक्सेसिव ब्लड शुगर को और ब्लड शुगर लेवल फिर से नॉर्मल की रेंज में आ जाता है आफ्टर टेकिंग दिस मेडिकेशन। तो ये क्लास के मेडिकेशंस के बारे में जानते हैं, तो ग्लिपिजाइड है, ग्लाइबुराइड है, ग्लिकलेक्साइड है एंड ग्लिमेपिराइड है। तो ये है सल्फोनाइल यूरियास क्लास के मेडिकेशन कहे जाते हैं, कि जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है। ये एक पॉपुलर कैटेगरी है उनकी कि सल्फोनाइल यूरियास विच आर यूज एज ए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। जो स्टूडेंट एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मोस्ट आईएमपी कि सल्फोनाइल यूरियाज में जितने भी ये जीएलआई वाले हैं, देखो GLY अथवा तो GLI वाले जितने भी मेडिकेशन है वो सभी सल्फोनाइल यूरियास के कैटेगरी में आती है। सेकंड, मैग्लिटिनाइड्स के अंदर, तो मैग्लिटिनाइड्स डेरिवेटिव जो है तो वो है रापाग्लिनाइड एंड नेटाग्लिनाइड। तो ये दोनों ऐसे मेडिकेशन है कि जो मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स है, और ये भी एक सेकंड वेरी पॉपुलर कैटेगरी है इन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। तीसरा है बाइगुएनाइड्स, और उसमें
काफी फेमस और पॉपुलर ड्रग दैट इज कि मेटफॉर्मिन, तो वो है बायगुएनाइड, और वो भी है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग की, जिनको शॉर्ट में हम लिखते हैं OHDS, ओ फॉर ओरल, एच फॉर हाइपोग्लाइसेमिक, डी फॉर ड्रग्स। चौथा पॉपुलर क्लास हम देखें उसके अंदर तो थायोजोलिडीडायोन्स की, जिसके अंदर रोसिग्लिटाजोन एंड पियोग्लिटाजोन। तो दोनों ग्लिटाजोन्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। फिर अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स के अंदर अकार्बोजेन, मैग्लिटॉल एंड वॉग्लिबोस। तो ये अच्छे से याद रखना है आपको, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। नेक्स्ट है डीपीपी फॉर इनहिबिटर्स, जिसके अंदर सिटाग्लिप्टिन, साक्साग्लिप्टिन, विल्टाग्लिप्टिन एंड लिनाग्लिप्टिन। मतलब कि सभी के नाम के पीछे ये ग्लिप्टिन जो वर्ड है वो कॉमन है। तो ये है एक और इम्पोर्टेंट मेडिकेशन क्लास, यूज होता है एज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक। सेवन्थ हम देखें तो दैट इज SGLT2 इनहिबिटर, डापाग्लिफ्लोजिन एंड कानाग्लिफ्लोजिन। तो ग्लिफ्लोजिन जो है, कि यहाँ पे ग्लिफ्लोजिन कॉमन है वो है SGLT2, एंड लास्ट में है साइक्लोसेट की जो ब्रोमोक्रिप्टिन है, साइक्लोसेट दैट इज ब्रोमोक्रिप्टिन। तो ये सभी ऐसे मेडिकेशन हैं कि जिनको हम कैटेगराइज करते हैं एज अ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। मतलब कि ये मेडिकेशन का रोल क्या होगा, व्हाट इज द बेसिक रोल? तो रोल इज टू रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल। ये है उनका मेन बेसिक फंक्शन या फिर उनका रोल, कि ये मेडिकेशन जब किसी पेशेंट को देते हैं तो ये मेडिकेशन अपना क्या रोल दिखाएगी, तो रिड्यूस करवाएगी ब्लड शुगर लेवल। तो मतलब ये है कि जब ये मेडिकेशन की प्रॉपर्टी ऐसी है कि उनके पास ऐसी एबिलिटी है ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करने की, और वो ओरली यूज की जाती है। अब ब्लड शुगर लेवल डाउन करवाना मतलब कि हाइपो ग्लाइसेमिक कंडीशन प्रोड्यूस करवाना, और ऐसे मेडिकेशन की जो पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन प्रोड्यूस करवाती है, मतलब कि रिड्यूस करवाती है ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर को कम करती है, ऐसे मेडिकेशन कहे जाते हैं हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। तो ये मेडिकेशन का हम बेनिफिट तब ले सकते हैं कि जब किसी पर्सन का ब्लड शुगर लेवल काफी हाई है। तो ये मेडिकेशन का हम बेनिफिट कैसे लें? बिकॉज ये मेडिकेशन ऐसे ही कि ब्लड शुगर को तो कम करती है, तो हेल्दी पर्सन उनको तो जब लेगा कोई तो उसका शुगर लेवल काफी डाउन हो जाएगा। बट जब सोचिए आप कि जो पर्सन को डायबिटीज की बीमारी है और उसमें भी टाइप 2 डायबिटीज है, तो टाइप 2 बाय डायबिटीज वाले जो पेशेंट है उनके लिए तो ये संजीवनी बूटी से कम नहीं है ये मेडिकेशन। बिकॉज ये मेडिकेशंस इतने पॉपुलर है, इतने यूज होते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज के अंदर, कि ये जो है पेशेंट्स रेगुलरली यूज करते हैं टू लोअर द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, और जिसके कारण उनका डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में रहता है। तो विद द एक्सेप्शन ऑफ इंसुलिन, एक्सेनाटाइड एंड लायराग्लूटाइड एंड प्रामलिनटाइड ऑल आर एडमिनिस्टर्ड ओरली एंड आर थस कॉल ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और ओरल एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट भी उनको कहा जाता है। तो पॉपुलरली ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के नाम से ही काफी फेमस है, एंड दिस ड्रग्स आर गिवन ओरली टू रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज। तो ये आपको उनका बेसिक यूज याद रखना है कि सिर्फ इंसुलिन, एक्सेनाटाइड, लायराग्लूटाइड एंड प्रामलिनटाइड को छोड़ के सभी मेडिकेशन जो है वो ओरली यूज होती है ऑफ दिस क्लास की, जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं कि जो ब्लड शुगर को कम कर सकते हैं, और उसमें भी जो ओरली ली जाती है ये सभी मेडिकेशंस एक्सेप्ट द इंसुलिन, एक्सेनाटाइड, लायराग्लूटाइड एंड प्रामलिनटाइड। तो ये मेडिकेशन के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है वो जानना जरूरी है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जानने जरूरी है ये मेडिकेशन के,
कि डू नॉट प्रिस्क्राइब इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम लो ब्लड शुगर मीन्स हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट, कि ये मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब ना करें कि जब किसी का ब्लड शुगर ऑलरेडी काफ़ी लो है। तो ये खास आपको ध्यान रखना है कि ये मेडिकेशंस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इन पेशेंट विद लो ब्लड शुगर, और डू नॉट प्रिस्क्राइब इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम लो ब्लड शुगर। सेकंड है कि किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है टू ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, तो उस वक्त उनको प्रिस्क्राइब ना करें। एलर्जी अकर्स ड्यू टू OHGDS, कि जो ये मेडिकेशन के कारण समझो कि किसी को एलर्जी होती है, कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के कारण एलर्जी हो रही है, हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, तो इनको प्रिस्क्राइब ना करें। फिर पेशेंट विद एक्यूट इलनेस, कि किसी को ऑलरेडी कोई बीमारी है और बीमारी के कारण पर्सन काफ़ी वीक है, ऑलरेडी उसके अंदर एनर्जी वगैरह कम है, तो ऐसे पेशेंट को भी ये अवॉइड करवानी चाहिए। पेशेंट विद सर्जरी, रीनल डिसीज या फिर रीनल फेलियर के पेशेंट, एंड हिपेटिक डिसीज की जिसको हम कहते हैं कि लीवर डिसीज है, लीवर रिलेटेड डिसीज है, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उनको भी ये मेडिकेशंस नहीं देने चाहिए। तो ये सब कंडीशन के अंदर हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के लिस्ट में। अब जानते हैं उनके साइड इफेक्ट्स। तो उनके साइड इफेक्ट्स हम जाने तो नॉजिया एंड वॉमिटिंग कॉमन साइड इफेक्ट है उनकी, फीलिंग डिजी या फिर डिजीनेस होता है, ड्रॉसी या फिर ड्रॉसीनेस, हार्ट बर्न होता है, बीइंग सीक, फीलिंग सीक, कि कई बार क्या होता है कि शुगर और ज़्यादा डाउन हो जाए तो उसके कारण पर्सन को ड्रॉसीनेस जैसा फील होता है, बीइंग सीक और फीलिंग सीक, ऐसा फील होता है कि जैसे जैसे शुगर जो है वो रिड्यूस होती जाती है तो ये कई बार सिम्टम्स डेवलप होते हैं, हैविंग ए स्टमक पेन, फीलिंग फुल, कई बार स्टमक पेन होता है और फीलिंग फुल मीन्स जैसे स्टमक काफ़ी फुल हो आपका ऐसा लगेगा, फीलिंग डिसकंफर्ट, फीलिंग कॉन्स्टिपेटेड मतलब कि कॉन्स्टिपेशन आपको जैसे हुआ वैसा फील होता है, एंड फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट्स है ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के। तो बाइगुएनाइड्स में जो मेटफॉर्मिन है वो क्या करती है, डिक्रीज करवाती है हीपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को, डिक्रीज करती है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एंड इम्प्रूव द इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो ये एक पॉइंट आपको एमसीक्यू के लिए खास याद रखना कि हाउ द मेटफॉर्मिन इज वर्क। तो मेटफॉर्मिन की जो मेकेनिज्म है वो दूसरे जितने भी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग हैं उनके कंपेयर में काफ़ी अलग है। वो डायरेक्टली ऐसा करती है कि जो हेपेटिक ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो ही डिक्रीज करवा देती है, साथ में जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, और जिसके कारण जब वो एब्जॉर्ब हुआ ग्लूकोज जब ब्लड के अंदर जाता है तो भी ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है। तो ये सब रिएक्शंस करके वो ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करवाते हैं, और साथ में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने के कारण मेटफॉर्मिन जो है वो ग्लूकोज को यूटिलाइज भी करवाता है और साथ में उसका प्रोडक्शन भी रिड्यूस करवाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल व्यक्ति का जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इनिशियल डोज उसका रहता है 500 mg ओरली ट्वाइस अ डे और 850 mg ओरली वंस अ डे। फिर जरूरत पड़े पर उसका डोज इंक्रीज भी किया जाता है 850 mg every 2 week, जैसे कोई पर्सन टॉलरेट कर सके, और मेंटेनेंस डोज रहता है 2000 mg पर डे इन डिवाइडेड डोजेस। डिवाइडेड डोजेस मतलब कि 500 mg के जो टैबलेट है वो समझे कि पर्सन 4 टाइम्स लेता है दिन में, तो इस तरह से 2000 mg एक ही दिन में उसका डिलीवर हो जाएगा, और उसमें भी मैक्सिमम 2550 mg तक ही डोज देना चाहिए, उससे ज़्यादा देने से फिर ओवरडोज के कारण एक्सेसिव साइड इफेक्ट्स हो सकती है, दूसरे भी कॉम्प्लिकेशन होकर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ब्लड शुगर लेवल काफ़ी कम हो सकता है। तो ये सब उनके कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसलिए जरूरी है कि सबसे इनिशियली 500 mg डोज से ही स्टार्ट किया जाता है, और अगर समझो कि 500 mg से ही पेशेंट का ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है तो
और एक्सेस डोज लेने की जरूरत नहीं रहती। तो सल्फोनाइल यूरिया से सेकंड जिसके अंदर हमने देखा कि टॉलब्यूटामाइड था, एसिटोहेक्सामाइड, क्लोरप्रोपामाइड है एंड टोलाजामाइड, तो वो फर्स्ट जनरेशन है कि जो एनहांस करवाती है इंसुलिन के सिक्रेशन को। उसी क्लास के सेकंड जनरेशन के अंदर ग्लिबेनक्लेमाइड है, ग्लिपिजाइड है, ग्लिबुराइड एंड ग्लिमेपिराइड एंड ग्लिकेक्साइड। तो सल्फोनाइड यूरिया के अंदर जितने भी ये ग्लिबेनक्लेमाइड है, ग्लिपिजाइड, जितने भी ग्ली वाली जो मेडिकेशन है वो आती है सेकंड जनरेशन के अंदर, जबकि फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइड यूरिया से टॉलब्यूटामाइड, एसिटोहेक्सामाइड, क्लोरप्रोपामाइड एंड टोलाजामाइड। तो ये याद रखिए, उनके जो मार्केटेड फॉर्मुलेशन ग्लिबेनक्लेमाइड 125 mg, ग्लिपिजाइड टेबलेट सिर्फ 5 mg की डोज में, तो कई बार वो मेटफॉर्मिन के साथ कॉम्बिनेशन भी में भी यूज होता है। तो सल्फोनाइल यूरिया किस तरह से अपना काम करती है? तो दी आर एंटी डायबिटिक ड्रग्स और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, एंड दे एक्ट बाय इंक्रीज इन इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास, की जो हमारे बीटा सेल्स से है पेंक्रियास के, वो इंक्रीज करते हैं इंसुलिन सिक्रेशन आफ्टर टेकिंग दिस मेडिकेशन, एंड जिसके कारण क्या होता है, पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल है वो रिड्यूस होता है। तो मेन यहाँ पे उन आपको ये पॉइंट याद रखना है कि वो करवाती है इंसुलिन का सिक्रेशन एनहांस करवाती है बाय द बीटा सेल, ये खास रखिए याद आप बीटा सेल। अब दूसरे भी हर जो सल्फोनाइल यूरियास के दूसरे यूज ऐसे हैं कि हर्बिसाइड के तौर पे भी वो काम करता है, एंड एक्सपेरिमेंटली उसको यूज किया जाता है टू इनहिबिट इंटरल्यूकिन 1 रिलीज फ्रॉम NALP3 और NLRP3 इंफ्लामाजोन। नेक्स्ट जानते हैं अब सल्फोनाइल यूरियास के बारे में कि सल्फोनाइल यूरियास बाइंड टू ATP सेंसिटिव पोटासियम चैनल ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, कि ये जो बीटा सेल्स जो होते हैं कि जो रिलीज करवाते हैं इंसुलिन को, तो ये यहाँ पे कौन सी साइट पे बाइंड होती है? तो बाइंड टू ATP सेंसिटिव पोटासियम चैनल, यहाँ पे देखिए पोटेशियम की जो चैनल है उसके साथ वो बाइंड होता है, एंड विच डिपोलराइज द सेल बाय प्रिवेंटिंग पोटेशियम फ्रॉम एक्साइटिंग, और जिसके कारण डिपोलराइजेशन ओपन्स द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, और कैल्शियम चैनल्स जो है वो ओपन होगी, तो जिसके कारण क्या होगा, इंसुलिन के जो ग्रैन्यूल्स है उनका एक्सोसाइटोसिस होगा, मतलब कि इंसुलिन का क्या होगा, सिक्रेशन होगा। तो इस तरह से सल्फोनाइल यूरियास जो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं। सेकंड हम मैग्लिनिटाइड में देखें तो रापाग्लिटाइड है, नेटाग्लिटाइड है, तो वो भी टाइप 2 डायबिटीज में यूज होते हैं, जिनकी यूजुअल स्ट्रेंथ होती है 60 mg नेटाग्लिनाइड के, एंड रेपाग्लिनाइड के टैबलेट सिर्फ 0.5 mg स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। तो ये मेडिकेशन क्या करती है, दे बाइंड ATP डिपेंडेंट पोटासियम चैनल ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल इन सिमिलर मैनर टू सल्फोनाइल यूरियास, बट हैव ए वीकर बाइंडिंग एफिनिटी एंड फास्टर डिसोसिएशन फ्रॉम SUR1, की जो हम कहते हैं सल्फोनाइल यूरियास रिसेप्टर बाइंडिंग साइट। मतलब कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है कि जो पोटेशियम चैनल को जो इस तरह से सल्फोनाइल यूरियास बाइंड होते थे, सेम लाइक दैट इनकी भी इफेक्ट सेम है, जस्ट आपको ये डेरिवेटिव्स याद रखने हैं कि मैग्लिटिनाइड एनालॉग या फिर डेरिवेटिव की जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के कैटेगरी में आते हैं, दैट आर नेटाग्लिनाइड एंड रापाग्लिनाइड। आगे सीखते हैं नेक्स्ट, तो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो हम कहते हैं, तो ये इंजेक्टेबल है स्पेशली, पर ये भी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, पर ये एक्सेप्शन की लिस्ट में आते हैं, दीज आर इन ए एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इसलिए बिकॉज कि ये जो है वो ओरली नहीं दी जाते, ये लिए जाते हैं
पेरेंटल, इनके इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं, बट एमसीक्यू के लिए ये काफ़ी आईएमपी है। जीएलपी-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट एमसीक्यू के अंदर पूछे जाते हैं ये टॉपिक में से, इसलिए यहाँ पे हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज एमसीक्यू का पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीएलपी-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग, कि जिसको कहा जाता है ग्लुकागन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट एक्सेनाटाइड एंड लाइराग्लोटाइड। तो ये खास याद रखिए, एंड ये मेडिकेशन भले इंजेक्टेबल है बट टाइप 2 डायबिटीज में ही यूज होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंजेक्टेबल है तो टाइप 1 में यूज होगा। टाइप 1 में तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इंसुलिन, बट टाइप 2 के अंदर भी कई लोगों को ये लाइराग्लूटाइड की जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ओरिजिन से डेवलप किया हुआ प्रोडक्ट है, सेम लाइक दैट एक्सेनाटाइड, तो इनके जो इंजेक्शन है वो पेशेंट लेते हैं, और ये भी ऐसी कैटेगरी के कि जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग हम कह सकते हैं, बट ये मेडिकेशन पेशेंट लेते हैं बाय इंजेक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो हमने सीखा, दैट इज डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज फॉर, कि जिसको हम कहते थे डीपीपी फॉर, डी फॉर डाई, पी फॉर पेप्टिडाइल एंड थर्ड पी फॉर सेकंड पी फॉर पेप्टिडेज इनहिबिटर। तो डीपीपी फॉर इनहिबिटर्स के अंदर जो एग्जांपल है साइटाग्लिप्टिन है, कि यहाँ पे उसके जो टैबलेट देख सकते हैं साइटाग्लिप्टिन 100 mg की स्ट्रेंथ में होती है, और जो थेरेपी है वो यूजली लोअर डोज से ही स्टार्ट की जाती है। तो ये मेडिकेशन क्या करती है, इनहिबिट करती है ग्लूकागन रिलीज को और स्टिम्युलेट करती है इंसुलिन रिलीज को, और इस तरह से आपका लो ब्लड ग्लूकोज करती है, और टाइप 2 डायबिटीज के अंदर हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसके एग्जांपल है सभी ग्लिप्टिन, सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन एंड सैक्साग्लिप्टिन। फिर ये एक इंपॉर्टेंट एक क्लास है, पेरोक्सिज्म प्रोलिफेरेट एक्टिवेटेड रिसेप्टर एगोनिस्ट, PPAR गैमा एक्टिवेटर, थायज़ोलिडीडायन्स, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी फॉर द एमसीक्यूज। तो उसके अंदर पियोग्लिटाजोन एंड रोसिग्लिटाजोन, और ये क्या करते हैं, इट मॉड्यूलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन्स इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म इन द मसल एडिपोज टिश्यू एंड लीवर। मतलब कि ये मेडिकेशन डायरेक्टली टारगेट करती है जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर, जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। अब ये जीन्स ऐसे है कि वो रिस्पॉन्सिबल है या फिर इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोज के कंट्रोल के अंदर, लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर एंड मसल्स एडिपोज टिश्यू लीवर वगैरह के अंदर, जो लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोज का कंट्रोल होता है, उसके अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं और अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाते हैं। तो पियोग्लिटाजोन सिलेक्टिवली स्टिम्युलेट द न्यूक्लियर रिसेप्टर, और कौन सी न्यूक्लियर रिसेप्टर को वो स्टिम्युलेट करता है, तो पेरोक्सिज्म प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा, की PPAR गामा कहते हैं, एंड लेसर एक्सटेंड PPAR अल्फा, मतलब कि गामा के तरफ उसकी एक्टिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू द अल्फा, एंड इट मॉड्यूलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन्स इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, एंड पियोग्लिटाजोन रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस इन द लीवर, लीवर के अंदर एज वेल एज पेरिफेरल टिश्यूज वगैरह है, वहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस होता था इंसुलिन का उसको करती है रिड्यूस और डिक्रीज करती है ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लीवर एंड रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन इन द ब्लड स्ट्रीम। तो मतलब यहाँ पे क्या है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो आगे ये जो इंसुलिन है वो यूटिलाइज करवाएगा ग्लूकोज को, साथ में जहाँ पे
ग्लूकोज प्रोडक्शन व करने वाली जो प्रोसेस है कहलाए ग्लूकोनियोजिनेसिस की, जिसके कारण ग्लूकोज जो है वो होता है प्रोड्यूस। तो अगर समझो कि ग्लूकोज प्रोड्यूस करने वाली प्रोसेस ही हम समझो कि कम करते हैं, डिक्रीज करवाते हैं, तो उससे एक साइड ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम होगा और सामने जो एक्सेसिव बना हुआ जो ग्लूकोज है वो आप इंसुलिन को के रेजिस्टेंस को ओवरकम करके रिड्यूस कर देते, जिससे पर्सन का जो हाई ग्लूकोज लेवल जो है वो रिड्यूस होता है और इस तरह से वो अपनी हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देता है। अल्फा ग्लूकोसिड इनहिबिटर में है एकारबोज है, मैग्लिटॉल है, वैग्लिबोज है, और ये ऐसे मेडिकेशन है कि जो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर आर सैकेराइड एंड दैट एक्ट एज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एंजाइम नीडेड टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि जब कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग हम कोई फूड लेते हैं तो उसके डाइजेशन के लिए जो हमें एंजाइम्स चाहिए ये एंजाइम्स को इनहिबिट करेगी, ये अकार्बोज, मैग्लिटॉल या फिर वॉग्लिबोज। तो अकार्बोज की जो 25 mg स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, मैग्लिटॉल की जो 50 mg उसकी स्ट्रेंथ के टैबलेट्स अवेलेबल होती है, एंड स्पेशली और स्पेसिफिकली अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम्स इन द ब्रस बॉर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और उनको इनहिबिटर के ये जो एंजाइम है अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम, ये एंजाइम जरूरी है कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर डाइजेशन करने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होने से ही लास्ट में तैयार होता है ग्लूकोज। तो प्रोसेस को स्टार्ट करवाने के लिए, इनिशिएट करवाने के लिए जरूर पड़ता है ये अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, सॉरी अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम, और ये एंजाइम समझो कि इनहिबिट होता है तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ही नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा तो ना ही ग्लूकोज प्रोडक्शन होगा, और ग्लूकोज प्रोडक्शन नहीं होगा तो ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज नहीं होगा। तो इस तरह से वो अपनी हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन देता है, एंड इनहिबिशन ऑफ दिस एंजाइम इन सिस्टम रिड्यूस द रेट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है एमसीक्यू के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम और एंजाइम सिस्टम रिड्यूस द रेट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो दे आर अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। लेस ग्लूकोज इज एब्सॉर्ब बिकॉज द कार्बोहाइड्रेट आर नॉट ब्रोक डाउन इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो जब मैग्लिटॉल के टैबलेट या फिर अकार्बोज के जो टैबलेट है जब कोई पेशेंट लेता है तो ये मेडिकेशन उसके अंदर रहे अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, जिससे वो पर्सन की बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, वो हो जाएगा स्टॉप। सो इन डायबिटिक पेशेंट द शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग थेरापीज इज टू डिक्रीज द करंट ग्लूकोज लेवल, एंड द लॉन्ग टर्म इफेक्ट इज अ स्मॉल रिडक्शन इज हीमोग्लोबिन A1C लेवल। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स में एक और इंपॉर्टेंट क्लास है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर की, जिसको SGLT2 हम कहते हैं, डापाग्लिफ्लोजिन है, कनाग्लिफ्लोजिन है। तो जितने भी ये ग्लिफ्लोजिन है, एम्पाग्लिफ्लोजिन, यहाँ पे डापाग्लिफ्लोजिन के आप टैबलेट्स देख सकते हैं, एस्ट्राजेनेका का ये प्रोडक्ट, सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ रहती है 10 mg। सेम लाइक दैट कनाग्लिफ्लोजिन के टैबलेट की जिसकी स्ट्रेंथ है 100 mg। तो दिस क्लास ऑफ मेडिकेशन लोअर द ब्लड शुगर बाय कोजिंग द किडनीज टू रिमूव शुगर फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिन। तो ये एक ऐसा क्लास है, ये एमसीक्यू का आपका पिन पॉइंट है पूरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोअर द ब्लड शुगर बाय कोजिंग द किडनी टू रिमूव शुगर फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिन। तो एक ही क्लास है हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के अंदर कि जो यूरिन के थ्रू एक्सेसिव शुगर को रिमूव करवा देता है, एंड दे आर सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट टू इनहिबिटर। द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ SGLT2 इनहिबिटर्स हैव नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड इन पेशेंट विद टाइप 1 डायबिटीज, एंड FDA हैज नॉट अप्रूव देम फॉर यूज इन दिस पेशेंट, बट इट इज प्रिस्क्राइब फॉर टाइप 2।
एस जी एल टी टू इनहिबिटर्स के जो एग्जाम्पल है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एंड एफ डी अप्रूवल फॉर यूज विथ डाइट एंड एक्सरसाइज टू लोअर ब्लड शुगर इन पेशेंट विथ टाइप 2 डायबिटीज। और ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन रहेगी, आरएक्स ओनली, तो ये याद रखिए। और उसके बाद है साइक्लोसेट के अंदर ब्रोमोक्रिप्टिन और सिंपेथोलाइटिक डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट दैट रिसेट द हाइपोथैलेमिक सर्कैडियन रिदम विच माइट हैव बीन अल्टर्ड बाय ओबेसिटी, के समझे कि ओबेसिटी के कारण किसी को डायबिटीज हुआ है और उसके अंदर समझे कि हाइपोथैलेमिक सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हुए, तो उसको नॉर्मल करने के लिए ब्रोमोक्रिप्टिन यूज किया जाता है एंड दिस एक्शन रिजल्ट इन रिवर्सल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डिक्रीज इन ग्लूकोज प्रोडक्शन। कि जब डायबिटीज होने का रीजन ओबेसिटी है और ओबेसिटी के कारण हाइपोथैलेमिक सर्कैडियन रिदम जो है वो इरेगुलर हो चुकी है और जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया है, तो ब्रोमोक्रिप्टिन से ये ट्रीटमेंट हो जाते कि जिसकी यूजर हम स्ट्रेंथ देखें तो ज़्यादातर 5 mg की स्ट्रेंथ में ये टैबलेट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। यूजली स्टार्ट होता है विथ द लोअर डोज। तो साइड इफेक्ट्स हम डिटेल में जाने तो सल्फोनील यूरियास के जो कॉमन साइड इफेक्ट है कि लो ब्लड शुगर हो सकता है, अपसेट स्टमक, स्किन रैशेज, इचिंग, वेट गेन हो सकता है, बाइगुएनेट्स के कारण सिकनेस विथ अल्कोहल, किडनी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अपसेट स्टमक, टायर्डनेस, डिजीनेस, मेटालिक टेस्ट जैसे साइड इफेक्ट होते हैं मेटफॉर्मिन के कारण, अल्फा ग्लूकोसिडेज के कारण गैस जैसे प्रॉब्लम होते हैं, ब्लोटिंग होता है, डायरिया भी होता है कई बार, फिर थायजोलिडिडाइन से जिसके कारण वेट गेन हो सकता है, रिस्क ऑफ लिवर डिसीज, एनीमिया, स्वेलिंग ऑफ लेग और एंकल्स, मैग्लिटिनाइड्स देखे तो उसके कारण वेट गेन और लो ब्लड शुगर। कॉन्ट्राइंडिकेशंस के अंदर जो हमने जाना कि हाइपरसेंसिटिविटी है, एलर्जिक टू ड्रग है, पेशेंट रीनल डायफंक्शन है, पर्सन विथ लो ब्लड शुगर, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसी कंडीशन में ये मेडिकेशन की जिसको हम कहते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेशंस के लिस्ट में आएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जरूर से वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप 9426180336, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ए फार्मा डॉग्स। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।